हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्या जी। केशव जी, इस बार आपका नाम काम करेगा या काम करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि जाति समीकरण जमीन पे काम करेंगे। सामाजिक समीकरण का जो गुलदस्ता होता है वो भाजपा के पास है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए सबका वोट भाजपा को मिल रहा है, कमल के फूल पर मिल रहा है, इसलिए भाजपा का कमल यहाँ पर खिल रहा है। पहले भी खिला था, ये सारे समीकरण पहले भी अपना लिए, लेकिन इनके सारे समीकरण पहले भी फेल हो चुके हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान छोड़ के गए, आपकी पार्टी से गए, उसका असर आपको लगता है कि जमीन पे कितना होगा, कितना नुकसान आप उसको देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? आप मेरी एक लाइन में सवाल लंबा ना करें, मैं इतना ही कह दूं कि कोई फर्क नहीं है। 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, 300 से अधिक सीटें भाजपा और गठबंधन जीतेगी, तो ये सारे जो आपके सवाल हैं, हमसे ये सवाल ही, आपके सवाल की लाइन वो सब काट दोगे आप, और ये कहोगे 300 जो सीटें काम की जीत हुई, विकास की जीत हुई, गरीब की जीत हुई, मजदूर की जीत हुई, मातृशक्ति की जीत हुई, नौजवानों की जीत हुई, यही आप करोगे। बाकी अभी तक कोई सवाल आप खड़ा कर सकते हो, सारे विरोधी एक साथ मिलकर के सवाल ही खड़ा कर रहे। अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उधर तीसरे चौथे में कहे कि अब वो जीत चुके हैं। अब 2014 से लगातार वो जो दावे कर रहे हैं हवा में उड़ जा रहे हैं, तो उनके खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है। ठीक है। तो ये देख, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, यहाँ आज वोटिंग होनी है, उसके पहले अपने सिराथू में जो जहाँ से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं विधानसभा से, तो अपने आवास पर हैं, काफ़ी गहमा गहमी है। और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के जो है दावे उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि जो गरीबों के लिए काम हुआ और जो विकास के लिए काम हुआ, उसके आधार पर दोबारा उनकी सरकार बहुमत में आएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24।